वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उनको मैं आज चंद टोटके बताऊंगी जो बहुत ही आसान, सस्ते और ज़बरदस्त टोटके हैं। उनको इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भी दाग नहीं रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी के चेहरे पर दाग है, खा वो किसी भी चीज़ का दाग है, तो आप खीरों को कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद उनको बारीक कपड़े में डालकर निचोड़ कर उसका रस निकाल लें, और उसके रस में 2 चम्मच रस होना चाहिए और आधा चम्मच उसमें दालचीनी का स्पून डाल दें। डालकर उसे मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिन के इस्तेमाल से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा और चमकना शुरू हो जाएगा। टोटका नंबर 2, टमाटर का रस निकालने कोशिश करें। टमाटर जितना ज़्यादा गला हुआ होगा, ख़राब होगा, उतना उसके रस में असर ज़्यादा होगा। टोटका नंबर 3, मूली के बीज ले लें, उनको पीस कर दही में मिक्स कर लें। मिक्स करके आप अपने चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के बाद अपना चेहरा आप धो लें। इंशाल्लाह उसके साथ आपका चेहरा चमकना भी शुरू हो जाएगा और दाग धब्बे भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके अलावा एक और टोटका है जो सबसे आसान और सस्ता है। लीमू का रस लेकर अपने चेहरे पर रोज़ाना 1 मर्तबा आप लाजमी मला करें। और अगर आप अपने नाखूनों को भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं कि चमकने चाहिए, तो उसके लिए भी आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके साथ आपका चेहरा साफ भी हो जाएगा दाग धब्बों से और चमकना शुरू भी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।